सुप्रभात कक्षा 5 के विद्यार्थियों, उम्मीद है आप सभी अपने घरों में सुरक्षित होंगे। देखिए, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 पंच परमेश्वर। इस पाठ के रचयिता हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की प्रसिद्ध कहानियों में से यह एक विशेष कहानी है। इस कहानी के अंतर्गत बताया गया है कि जब व्यक्ति किसी विशेष पद को धारण करता है तो उसमें उत्तरदायित्व की भावना स्वतः ही आ जाती है। ये दो मित्रों की कहानी है, जुम्मन शेख और अलगू चौधरी। मित्रता किस प्रकार टूटती है और फिर बनती है, किस प्रकार उनमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा होती है, ये इस कहानी में हम पढ़ेंगे। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। गाढ़ी का अर्थात होता है गहरी मित्रता। सांझे में खेती होती थी, सांझे अर्थात मिलजुल कर। कुछ लेन देन भी साझा था, एक को दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए थे तब अपना घर अलगू को सौंप गए थे, यानी कि जुम्मन जब बाहर जाते थे तो अपना घर अलगू को सौंप गए, अलगू जब कभी बाहर जाते तो अपना घर जुम्मन के भरोसे छोड़ देते थे। मतलब दोनों को एक दूसरे पर अंधा विश्वास था। इस मित्रता का जन्म उसी समय हुआ जब दोनों बालक ही थे, मतलब जब दोनों बच्चे थे तभी उनकी मित्रता शुरू हो गई थी। जुम्मन की एक बूढ़ी खाला थी, उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी। यहाँ खाला का अर्थ होता है मौसी, मुसलमान लोग मौसी को खाला कहते हैं। उनके पास थोड़ी सी जायदाद थी लेकिन उनके निकट संबंधियों में कोई ना था। यहाँ मौसी के निकट संबंधियों में कोई नहीं था, इसीलिए जुम्मन ने लंबे चौड़े वादे करके वह जायदाद अपने नाम लिखवा ली। जुम्मन ने बहुत सारे वादे किए मौसी से अच्छे अच्छे और वह जायदाद उन्होंने अपने नाम लिखवा ली। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री नहीं हुई तब तक खाला की खूब सेवा हुई। जब तक खाला ने वह जायदाद जुम्मन के नाम नहीं की थी तब तक जुम्मन ने खाला की बहुत सेवा की। रजिस्ट्री होते ही सब कुछ बदल गया, पर जब जैसे ही रजिस्ट्री हुई अर्थात जायदाद जुम्मन के नाम हुई सब कुछ बदल गया। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियां देने के साथ कड़वी बातें भी सुनाने लगी, यानी कि जुम्मन की पत्नी जिसका नाम करीमन था वह खाला को खाना देती और खाने के साथ साथ बहुत सी कड़वी बातें भी सुनाने लगती। कुछ दिन खाला ने सब सुना और सहा, कुछ दिन तक यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। खाला सब सहती रही, जब नहीं सहा गया तो जुम्मन से शिकायत की। खाला को लगा कि जुम्मन उनकी समस्या का निवारण करेंगे तो उसने जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने अपनी पत्नी को कुछ कहना उचित नहीं समझा, परंतु खाला की सोच के विपरीत जुम्मन ने अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहा। कुछ दिन तक रो धोकर काम चलता रहा, कुछ दिन तक घर में रोना पीटना रहा, रो धोकर खाला अपना काम चलाती रही। अंत में एक दिन खाला ने कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निवाह न होगा। और आखिरकार खाला ने जुम्मन से कहा कि तुम्हारे साथ मेरा निवाह नहीं हो सकता, बेटा तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अलग पका खा लिया करूँगी, क्योंकि जायदाद तुम्मन के नाम खाला ने पहले ही कर दी थी। इसलिए खाला ने बस इतना ही कहा कि तुम मुझे रुपये दे दिया करो, मैं अपना अलग बना लिया करूँगी, अलग खा लिया करूँगी। जुम्मन बोले, रुपये क्या यहाँ फलते हैं? फलने का अर्थार्थ होता है पैदा होना, जन्मना। तो जुम्मन ने उल्टी बात कही कि यहाँ क्या रुपये पैदा होते हैं। इस पर खाला बिगड़ पड़ी। अब ये बात सुनकर खाला को गुस्सा आ गया, उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं पंचायत बुलाऊंगी। जुम्मन बोले, हाँ ज़रूर पंचायत कर लो, फैसला हो जाए, मुझे भी रात दिन की यह खटपट पसंद नहीं। एक दिन संध्या के समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठ, अब देखिए पंचायत का दिन भी आ गया। जब पंच लोग अपने स्थान पर बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने उनसे विनती की। अब खाला ने क्या कहा देखिए, पंचो आज 3 साल हुए, मैंने अभी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। मतलब खाला ने यह सब कितने साल तक सहा था, 3 साल तक। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया था और जुम्मन ने भी जायदाद के बदले कहा था कि मैं तुम्हें कपड़ा और खाना दूंगा। साल भर तो मैंने रो धोकर इसके साथ काटा। अब उसने कहा कि साल भर हो गया मुझे इसके साथ रहते हुए, बहुत ही रो धोकर मैंने अपना यह समय व्यतीत किया है, लेकिन अब सहा नहीं जाता मुझे। पेट को रोटी मिलती है ना तन को कपड़ा। अब खाला ने बता दी अपनी समस्या कि मुझे ना तो पेट भर के खाना मिलता है और ना ही तन ढकने को कपड़ा। मैं बेसहारा हूँ, तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह चलूँ, अर्थात पंच लोग जो फैसला करेंगे मुझे वह फैसला मान्य होगा।
मैं पंचों की बात सिर माथे चढ़ाऊंगी, अर्थात आप जो भी कुछ कहेंगे उसे मैं मान लूंगी, उसी के राह पर चलूंगी। सरपंच किसे बनाया जाए, इस प्रश्न पर जुम्मन शेख और खाला जान में कुछ कहा सुनी हो गई। अब देखिए कि सरपंच अर्थात पंचों के ऊपर एक व्यक्ति होता है जिसे सरपंच कहा जाता है, अंतिम फैसला सरपंच का होता है। तो सरपंच किसे बनाया जाए, इस बात पर जुम्मन और खाला में बहुत सी कहा सुनी अर्थात वाद विवाद हो गया। अंत में खाला बोली, बेटा पंच ना किसी के दोस्त होते हैं ना किसी के दुश्मन, अर्थात वह निष्पक्ष होकर फैसला देते हैं। तुम्हारा किसी पर विश्वास न हो तो जाने दो, मतलब तुम यदि किसी को नहीं मानते तो ठीक है कोई बात नहीं, अलगू चौधरी को तो मानते हो, अर्थात अलगू तो तुम्हारा मित्र है, तो ठीक है मैं उसी को सरपंच मानती हूँ, तो मैं उन्हीं को सरपंच बनाती हूँ। जुम्मन आनंद से फूल उठे लेकिन अपने भावों को छिपाकर बोले, चलो अलगू चौधरी ही सही। अब जैसे ही अलगू चौधरी का नाम सुना तो जुम्मन शेख की खुशी हद से ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि उन्हें पता था कि अलगू तो उनका मित्र है और उनके पक्ष में ही फैसला सुनाएगा। लेकिन फिर भी वह अपने भावों को अर्थात अपनी खुशी को छिपाते हुए बोला कि चलो ठीक है अलगू चौधरी ही सही। अलगू चौधरी सरपंच हुए। उन्होंने कहा, जुम्मन शेख हम तुम पुराने दोस्त हैं, मगर इस समय तुम और बूढ़ी खाला दोनों हमारी निगाह में बराबर हो। अब यहाँ अलगू चौधरी ने कहना शुरू किया कि भले ही हमारी बहुत पुरानी दोस्ती है परंतु इस समय तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो। जुम्मन ने कहा, खुदा गवाह है आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। अब यहाँ जुम्मन ने झूठ बोला कि मैंने मौसी को कोई तकलीफ नहीं दी, किसी तरह की कोई परेशानी उन्हें नहीं है। अलगू चौधरी ने जुम्मन से जिरह शुरू की। जिरह का अर्थ होता है पूछताछ करना। अलगू चौधरी ने जुम्मन से पूछताछ शुरू की। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अब इतनी गहराई से पूछताछ सुनकर जुम्मन भी बहुत आश्चर्य में था कि अलगू को आज क्या हो गया। अभी तो मेरे साथ बैठे थे, अब मुझसे इतने प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। मतलब जब तक सरपंच नहीं बने थे अलगू चौधरी तब तक वो जुम्मन के साथ ही बैठे थे, परंतु सरपंच का पद लेते ही उनमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा हो गई। जुम्मन यह सोच ही रहे थे कि अलगू ने फैसला सुनाया। अब जुम्मन के मन में ये सब बातें चल ही रही थी कि अलगू चौधरी ने अपना फैसला सुनाया। जुम्मन शेख पंचों ने इस मामले पर विचार किया, उन्हें यह उचित मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए, अगर खर्च देना मंजूर न हो तो रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी, बस यही हमारा फैसला है। देखिए अलगू चौधरी ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया कि या तो तुम पर मंथ यानी कि प्रति माह अपनी मौसी को खर्चा दो जितना उनको ज़रूरत है, और अगर तुम ऐसा नहीं करोगे मतलब अगर तुम उन्हें रुपये नहीं दोगे तो जो जायदाद खाला ने तुम्हारे नाम लिखी है वह रजिस्ट्री रद्द समझी जाएगी। फैसला सुनते ही जुम्मन सन्नाटे में आ गया, अर्थात जुम्मन एकदम सुन रह गया। अलगू के फैसले की सभी लोग प्रशंसा कर रहे थे, सभी लोग अलगू के फैसले की प्रशंसा कर रहे थे कि उसने मित्रता का पक्ष नहीं लिया, उसने निष्पक्ष होकर अपना फैसला दिया। लेकिन इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ें हिलाई, मतलब जो गहरी दोस्ती थी उसमें अब दरार आती दिखाई दी। जुम्मन को यह फैसला आठों पहर खटकने लगा। जुम्मन हर समय यही बात सोचता रहता था कि उसने आखिर ऐसा फैसला क्यों किया। वे इस ताक में थे कि किस तरह अलगू से बदला लेने का अवसर मिले। अब जुम्मन अलगू पर बहुत ज़्यादा नाराज था और वह उससे बदला लेने की सोचने लगा। ऐसा अवसर जल्द ही जुम्मन के हाथ आ गया। अब देखिए उसको ऐसा अवसर भी बहुत ही जल्दी मिल गया। देखिए आगे क्या हुआ। अलगू चौधरी बटेसर से बैलों की एक बहुत ही अच्छी जोड़ी मोल लाए थे। मोल लाने का अर्थात खरीद कर लाना। देव योग से जुम्मन की पंचायत के एक महीने बाद इस जोड़ी का एक बैल मर गया। देव योग अर्थात होता है भगवान की इच्छा। तो भगवान की इच्छा से जुम्मन की पंचायत के एक महीने के बाद ही, मतलब जब यह फैसला अलगू चौधरी ने दिया जुम्मन के खिलाफ, उसके एक महीने बाद ही अलगू का जोड़ी में से एक बैल मर गया। अब अकेला बैल किस काम का। गांव में एक समझू साहू थे, समझू साहू नाम का एक व्यक्ति था। उन्होंने एक महीने में दाम चुकाने का वादा करके चौधरी से यह बैल खरीद लिया। अब चौधरी खेती करने के लिए दोनों बैल लाए थे परंतु एक बैल की मृत्यु हो गई थी, तो
मंजू साहू नाम के एक व्यक्ति ने अलगू चौधरी से यह वादा किया कि अब एक बैल तुम्हारे काम का नहीं है तो ये मुझे दे दो, मैं तुम्हें एक महीने में इसकी कीमत चुका दूंगा। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे रगेद ने, यानी कि बहुत ही आवश्यकता से अधिक कार्य उन्होंने उस बैल से लेना शुरू कर दिया। न चारे की फिक्र न पानी की, मतलब उसे ठीक से खाना पीना नहीं दिया, उसकी देखभाल नहीं की और बस आवश्यकता से अधिक भार उस पर डालने लगे। वे दिन में तीन तीन चार चार खेपे करने लगे। अब वह उस अकेले बैल से ही खेती करवाने लगा, तीन तीन चार चार खेपे वो उसे करवाने लगा। एक दिन समझू जी ने बैल पर दूना बोझ लाद दिया। अब देखिए, आवश्यकता से अधिक बोझ लाद देने पर क्या होता है? जाहिर सी बैल बात है कि बैल ने जोर लगाया, लेकिन वह आधे रास्ते में ही गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा, अर्थात उस बैल की मृत्यु हो गई। उसे ठीक से खाना पानी नहीं मिला, आवश्यकता से अधिक काम उससे लिया गया तो बैल की हालत खराब हो गई। और एक दिन जब आवश्यकता से अधिक वजन उस पर लाद कर समझू ले जाने लगा तो बैल आधे रास्ते में ही गिरकर मर गया। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब बैल का दाम मांगते तब साहू साहूआइन दोनों ही झल्ला उठते, कहते मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। देखिए, साहूआइन साहू की पत्नी, जब भी अलगू अपने बैल की कीमत मांगने के लिए उनके पास आते तो दोनों ही पति पत्नी गुस्सा करते, चिल्ला उठते कि तुमने तो हमें मरा हुआ यानी कि मुर्दे समान एकदम कमजोर बैल दिया था और उसकी तुम कीमत और मांगने आ रहे हो, अर्थात उन्होंने कीमत देने से मना कर दिया। इसी तरह कई बार झगड़े हुए, लेकिन साहू जी ने बैल के दाम नहीं चुकाया। लोगों ने साहू जी को समझाया, भाई पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। तो लोगों ने कहा कि रोज रोज के झगड़ा खत्म करो और पंचायत कर लो, पंचायत बिठा लेते हैं, जो भी फैसला होगा उसे मान लेना। साहू जी राजी हो गए तथा अलगू ने भी हामी भर दी। अब दोनों पक्ष राजी हो गए। उसी पेड़ के नीचे पंचायत शुरू हुई। देखिए, जहाँ पहले हुई थी पंचायत उसी जगह फिर से पंचायत शुरू हुई। रामधन ने कहा, चौधरी बोलो किसको पंच मानते हो? अब यहाँ रामधन नाम के व्यक्ति ने कहा कि अलगू चौधरी से कि बोलो किसको तुम अपना पंच मानते हो। अलगू ने कहा समझू साहू ही चुन ले। अब अलगू चौधरी ने कहा कि समझू जिसे अपना पंच चुनेगा मैं भी उसी को मान लूँगा। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। अब समझू अलगू और जुम्मन शेख के बीच की आई दरार को जानता था तो उसने क्या किया कि इस बात का फ़ायदा उठाया और वह चिल्लाकर बोला कि मेरी तरफ से जुम्मन शेख। उसने जुम्मन को सरपंच चुना। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू का कलेजा धक धक करने लगा, अर्थात अलगू अब घबराने लगा कि हो सकता है जुम्मन मेरे खिलाफ फैसला सुनाए। फिर भी उन्होंने कहा ठीक है, मुझे स्वीकार है, परंतु अब उसके पास और कोई चारा नहीं था। सो अलगू ने कहा कि ठीक है, मैं इस चीज़ को मानता हूँ। सरपंच का आसन ग्रहण करते ही जुम्मन में अपनी जिम्मेदारी का भाव पैदा हुआ। अब जैसे ही जुम्मन सरपंच के पद पर बैठा तो उसमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा हुई, जिम्मेदारी भाव पैदा हुआ। उसने सोचा, मैं इस न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, सत्य से जरा भी टलना मेरे लिए उचित नहीं, अर्थात मुझे सत्य का ही साथ देना चाहिए क्योंकि मैं न्याय के सबसे ऊंचे आसन पर बैठा हूँ, क्योंकि लोगों की उम्मीदें उसी आसन से होती हैं। पंचों ने दोनों से सवाल जवाब शुरू किए। बहुत देर तक दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले पर अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पूरा दाम दे। जिस समय उन्होंने बैल लिया था उस समय उसे कोई बीमारी नहीं थी, बैल की मृत्यु केवल इस कारण हुई, उससे बड़ा कठिन काम लिया गया और दाने व चारे का प्रबंध नहीं किया गया। अर्थात जुम्मन शेख ने बहुत ही अच्छा फैसला सुनाया जो कि बहुत ही उचित था। फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाया, अर्थात अलगू चौधरी बहुत ही अधिक खुश हो गए। वे उठकर खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। उनके साथ ही सब लोगों ने दोहराया, पंच परमेश्वर की जय। अलगू के पीछे पीछे सभी लोग भी बोलने लगे, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन चलकर अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट गए।
अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया, मतलब दोनों की मित्रता के बीच जो दरार पैदा हुई थी, जो मैल आ गया था, वह दोनों के आंसुओं से धुल गया। दोनों के मन की सारी जो कटुताएं थी, जो भी कड़वापन था, वो सब दूर हो गया। मित्रता की मुरझाई हुई लता फिर से हरी हो गई, अर्थात मित्रता रूपी जो लता जो बेल थी वह फिर से हरी भरी हो गई। देखिए इसके बाद आपकी ये बुक में एक्सरसाइज हैं बच्चों, ये एक्सरसाइज इस वीडियो के साथ ही मैं आपको भेज रही हूँ, तो आप पहले स्वयं प्रयास करेंगे पाठ के आधार पर इन एक्सरसाइज को भरने का, आपको जैसा समझ में आया है वैसा, ठीक है।